हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओपी पालीटर पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, पहले हम जानेंगे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण, प्रकाश की विशेषताएं क्या हैं, प्रदीप्त वस्तुएँ तथा अप्रदीप्त वस्तुएँ तथा प्रकाशिक माध्यम के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे तथा प्रकाश से संबंधित सारी घटनाएँ हम धीरे धीरे एक एक करके इस वीडियो में पढ़ेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। दोस्तों, प्रकाश के कुछ विशेषताएं हैं जो हम आपको बताएंगे। प्रकाश की कुछ विशेषताएं, जैसे प्रकाश किसी माध्यम या निर्वात में भी गति कर सकता है। अर्थात प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। दोस्तों, प्रकाश एक समतल तल पर जब पड़ता है तो प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। प्रकाश जब एक समतल तल पर पड़ता है तो प्रकाश परावर्तित हो जाता है। परावर्तित अर्थात परावर्तित का मतलब है, अगर किसी माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम के तल से टकराती है तो पहले ही माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे दोस्तों, हम अंधकार वाले रूम में जाते हैं, अंधकार होता है, जैसे ही हम प्रकाश या रूम को प्रकाशित करते हैं तो चीज़ें हमें दिखाई देने लगती हैं। जब प्रकाश वस्तु के ऊपर पड़ती है तो वस्तु प्रकाश को परावर्तित करती है, तो परावर्तित किरणें हमारी आँखों द्वारा ग्रहण किया जाता है, तब जाके चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। दोस्तों, प्रकाश के गुण तथा प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तुएँ। प्रदीप्त वस्तुएँ क्या होती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अप्रदीप्त क्या होता है? अप्रदीप्त वस्तुएं जैसे लकड़ी है, जो वस्तुएँ स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तुएँ कहते हैं। जैसे चंद्रमा है, पृथ्वी है, ये पहले प्रकाश को अब्जॉर्ब करती हैं, उसके बाद फिर प्रकाशित होती हैं। दोस्तों, हम आगे पढ़ेंगे प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या है? प्रकाश जिस माध्यम में प्रकाश गमन करता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहेंगे। प्रकाशिक माध्यम जैसे पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम तथा पारभाषक माध्यम होता है। पारदर्शी माध्यम क्या होता है? जिस माध्यम के से आर पर प्रकाश हो जाता है उसे हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे हवा और जल, शुद्ध जल में प्रकाश आर पार हो जाता है। जैसे दोस्तों, हम हवा में देखेंगे, वायु में प्रकाश इस वायु को पार करके उस तरफ चला जाता है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं, कुछ माध्यम ऐसे होते हैं जिन्हें प्रकाश पार नहीं कर पाता है, जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, इन्हें हम अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। तथा पारभाषक माध्यम क्या होता है? पारभाषक माध्यम वो होता है जिससे प्रकाश का आंशिक भाग ही पार कर पाता है। जैसे दूषित जल हो गया, दूषित जल में प्रकाश पड़ेगा तो बहुत कम मात्रा में प्रकाश पार कर पाता है, उसे हम पारभाषक माध्यम कहते हैं। दोस्तों, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। ये जो सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा को ही प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश किरण इस सीधी रेखा को ही कहते हैं। प्रकाश की दिशा इंगित करती है ये किरण, इसे हम प्रकाशिक किरण कहते हैं।